न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद को बाल पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषणकारी और अपमानजनक सामग्री से बदलने के लिए एक कानून लाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार करते हुए कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना अपराध नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि ऐसी सामग्री का मात्र भंडारण करना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO अधिनियम के तहत अपराध है। बार एंड बेंच के अनुसार न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने कहा, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में त्रुटि की है और इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और हम मामले को सत्र न्यायालय को वापस भेजते हैं। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद को बाल पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषणकारी और अपमानजनक सामग्री से बदलने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन करने वाला एक कानून लाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कानून पारित होने तक केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। न्यायालय ने सभी न्यायालयों को बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग न करने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा, हमने संसद को POCSO में संशोधन लाने का सुझाव दिया है ताकि बाल पोर्नोग्राफी की परिभाषा में बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री को शामिल किया जा सके। हमने सुझाव दिया है कि अध्यादेश लाया जा सकता है। हमने सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी आदेश में बाल पोर्नोग्राफी का उल्लेख न करें। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए की थी, जिस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने के गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय समाज को उन्हें शिक्षित करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। रोजाना ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।